एमबी का मतलब दोनों होता है, एमबी का मतलब होता है बोस, ये वर्ड याद कर लेना बेटा, एमबी का मतलब बोस है। अब देखो यहां से एक वर्ड है एमबी डेक्स्ट्रस, एमबी डेक्स्ट्रस, इस वर्ड को याद करो, एमबी का मतलब बोस है, एमबी डेक्स्ट्रस का मतलब देखिए क्या है, एक ऐसा आदमी जो दोनों हाथों को बराबर से यूज कर लेता है, जितना अच्छा काम इस वाले हाथ से कर लेता है उतना ही अच्छा काम इस हाथ से कर लेता है, दोनों हाथों में निपुण है, एम्बिडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से काम कर लेता है, दोनों हाथों के काम में। अब कई बार कहते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस वर्ड बच्चा क्या कहता है, निपुण होता है सर, पर हाथों के काम में, जब कोई आदमी हाथों के काम में निपुण होता है तो एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं और दोनों से बराबर काम कर लेता है। अच्छा ये वर्ड कैसे पढ़ा सुनो, अब एक वर्ड सुनो डेक्स्टर, ये वर्ड देखो डेक्स्टर, ये डेक्स्टर वर्ड सुनो, इस डेक्स्टर का मतलब देखो क्या होता है सर, डेक्स्टर का मतलब होता है स्किलफुल, स्किलफुल, आपके अंदर क्या है सर, काम करने का ढंग है, क्यों क्यों होता है इसका मतलब, क्योंकि डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, ध्यान से सुन लेना बेटा, लैटिन भाषा में डेक्स्टर का मतलब होता है सीधा हाथ, और हमेशा ध्यान देना सर, सीधा हाथ आदमी की बेस्ट क्वालिटी को दिखाता है, डेक्स्टर का मतलब सीधा हाथ होता है, तो सीधा हाथ बेस्ट क्वालिटी को दिखाता है, सीधा हाथ अच्छे से काम करने की स्किल्स को दिखाता है, कहता है कि आदमी के पास अच्छी कला है काम करने की, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड, तो इसलिए डेक्स्टर का दूसरा मतलब क्या है बच्चों, स्किलफुल, ये स्किल होता है ना स्किल, ये स्किलफुल, आदमी स्किल में बहुत अच्छा है इसे डेक्स्टर कहते हैं, इसलिए जो आदमी देखो डेक्स्टर वर्ड समझ में आया, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड है, पर ध्यान से देखो डेक्स्टर का मतलब जब स्किलफुल कहना हो ना तो ध्यान देना स्किलफुल एक एडजेक्टिव है, मैं जानबूझ के इसको ऐसे लिखा, मैं उसको पॉइंट करूंगा सर, ध्यान देना डेक्स्टर का मतलब है राइट हैंड, और जब आदमी स्किलफुल होता है ना तो वहां पे डेक्स्टर तो लिखना है, पर डेक्स्टर को ऐसे लिखना बेटा डेक्स्ट्रस, क्योंकि किसी भी शब्द में औस लगाओगे तभी वो विशेषता बताएगा, जैसे मार्कर येलो है तो उसका येलो होना इसकी विशेषता है, तो ध्यान देना जैसे आपने डेक्स्टर के बाद औस लगा दिया तो उसका एनर्जी कम नहीं हुई ना, दम लगा रहा हूं ना, फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हूं, आप रहिए प्लीज, लिखते रहना सर, डेक्स्टर का मतलब बच्चों राइट हैंड, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड, और जब कोई व्यक्ति स्किलफुल है काम को अच्छे से कर लेता है तो बोलेंगे डेक्स्ट्रस, उसे बोलते डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल, और ध्यान से देखना अब मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूं बेटा, जैसे स्किलफुल का तो मतलब डेक्स्ट्रस हुआ, और नीचे देखो डी ई एक्स टी ई आर आई टी वाई, डेक्स्टेरिटी, ये स्किल्स होती है बेटा, पेपर में एक बार वर्ड आया सर एसएससी में वर्ड आया सर डेक्स्टेरिटी का सिनोनिम बताओ, डेक्स्टेरिटी का सिनोनिम बताओ, इसका मतलब ऐसा वर्ड बताओ जो डेक्स्टेरिटी का मीनिंग रखता हो, स्किल्स होता है इसका मतलब सर, डेक्स्टेरिटी का मतलब स्किल्स होता है, और स्किल्स से भरा हुआ आदमी डेक्स्ट्रस होता है, डेक्स्ट्रस और डेक्स्टेरिटी वर्ड कहां से निकला, राइट हैंड से, और राइट हैंड किसका प्रतीक है, अच्छे काम को करने का, यानी कि काम में आपके क्वालिटी मिलेगी, डेक्स्टर वर्ड उसको दिखाता राइट हैंड को, तो राइट हैंड से डेक्स्ट्रस और डेक्स्टेरिटी निकला, एक बात ध्यान रखना बेटा स्पेलिंग आएगी पेपर में, एक स्पेलिंग सिखा रहा हूं नोट कर लेना बेटा, स्पेलिंग देखो कितनी कमाल की, ध्यान से देखो जब आप डेक्स्टर डेक्स्ट्रस डेक्स्टेरिटी लिखते हो तो ध्यान देना, आप ध्यान से देखना आपको हमेशा टी के बाद ई मिला होगा, मैं दिखा देता हूं बेटा, जब आप डेक्स्टर डेक्स्टर डेक्स्ट्रस डेक्स्टेरिटी लिखते हो तो आपने हर बार देखा होगा यहां पे ई दिखेगा आपको, पर जब आप इसी वर्ड को एमबी डेक्स्ट्रस कहते हो, जब इसी वर्ड को एमबी डेक्स्ट्रस कहते हो तो ध्यान से देखो टी के बाद ई नहीं है, और पेपर में यही स्पेलिंग आती दो A M B I D X T E R O U S ambidextrous, और एक A M B I D X T R O U S ambidextrous, ये दोनों वर्ड देगा और कहेगा बताओ कौन सी स्पेलिंग ठीक है, बच्चा कंफ्यूज होता है, ई का ध्यान नहीं है, अब बच्चा क्या करता है अधिकतर इस टर को लगाता है, ये वाला टर ER, आपको क्या कहना है, आपको क्या कहना है सर, डेक्स्टर में ER होता है, डेक्स्ट्रस में ER होता है, डेक्स्टेरिटी में ER होता है, पर एम्बिडेक्स्ट्रस में ये ई नहीं होता, इसलिए गलत है, बताओ बेटे नॉलेज बड़ी नहीं बड़ी, सीखा नहीं सीखा, मजा आया नहीं आया, कमेंट बताना बेटा, जब वीडियो खत्म हो जाए तो गुरुजी को चाहिए बेटा कमेंट का ऐसे भरमार कर देना, मुझे एक एक बच्चा अपनी फीलिंग बता दे, जितने भी बच्चे देख रहे हो मुझे नहीं पता कितने देख रहे हो, पर कल इसके ज्यादा व्यू बढ़ने चाहिए, कल अपना बेस्ट लगा देना, कहना सर मजा आ गया सर, अगर बेस्ट दिए तो क्वालिटी दिखनी चाहिए बेटा, मतलब पूरे इंडिया के कोने कोने में अगर आपके गुरुजी ने बेस्ट पढ़ा है तो दिखने चाहिए गुरुजी, फैला दो हर चैनल पे, पहुंचा दो, कर दो इस काम को बेटा।